प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब सूबे में अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग चुकी है। आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ खास बातें। दरअसल योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह नेगी है और उनका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की है। 22 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसी के बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम दिया गया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ महाराज ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी शिष्य घोषित कर उनका दीक्षाभिषेक कर दिया। जबकि साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी और योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। वे सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। वे लगातार 5 बार 1998, 1999, साल 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। साल 2014 में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के निधन के बाद वे यहाँ के महंत यानी पीठाधीश्वर चुन लिए गए। हिंदुत्व एजेंडे की राजनीति करने वाले योगी के बारे में गोरखपुर में उनके समर्थक अक्सर नारा लगाते हैं कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने ही हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और पूर्वांचल के इलाके में धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान भी दिए। साल 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी भी बनाया गया। योगी की गिरफ्तारी भी हुई और इस बात पर काफी हंगामा भी हुआ। योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर अक्सर विवाद होता रहता है। बीते दिनों उन्होंने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम भी बदलवा दिए। इसके तहत उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया और अली नगर आर्य नगर हो गया। इसके अलावा मियां बाजार को माया बाजार कर दिया गया।